अच्छा सर, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल समद भारती। अच्छा, यहाँ पे आपके पीछे में पानी लगा हुआ है, क्या कारण है ये पानी लगने का? बारिश का पानी, बरसात का पानी जमा है। हमेशा ऐसे ही लग जाता है क्या? नहीं, पानी यहाँ तक 3 महीना से लगा हुआ है। अच्छा, 3 महीना से लगा हुआ है यहाँ। तो यहाँ के माननीय मुखिया जी नहीं आए यहाँ देखने के लिए? यहाँ देखने के लिए नहीं आए? पूरा मार्केट जो है पानी में डूबा हुआ है। तो यहाँ तो लोगों को चलने में बड़ी समस्या होगी? बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। समस्या है कि आदमी जो पैंट को उतार के अंडरवियर खाली हाथ में लेके जाता है। और यहाँ के विधायक जी? विधायक जी विद्यासागर निषाद जी हैं। तो यहाँ तो अभी कुछ दिन पहले एक जनरेटर वगैरह भी चला था पानी का, तो उससे निकालने चला था, लेकिन कुछ पानी निकला, उसके बाद फिर पाबंदी हो गया कि नहीं ये पानी नाला नहीं बनेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। लेकिन और पार्टी वाले आदमी सब यहाँ पर रोक लगा रहे हैं बहुत। अच्छा, लेकिन यहाँ तो सरकार तो कह रही है कि हम गली गली नली नली सारा काम किया है, पक्कीकरण का काम किया नीतीश सरकार। सरकार जो है खाली पेपर में दे रहे हैं, यहाँ पर आके देखेंगे नीतीश कुमार जी तब ना। अपना नाम बताइएगा भाई। यहाँ क्या मतलब पानी जो पीछे में आपके लगा हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों ने कभी ब्लॉक पे या माननीय मुखिया जी विधायक जी के यहाँ कभी गए कि नहीं बोलने के लिए? बोलने के लिए गए हैं, लेकिन वो लोग सुनते नहीं है। सुनते हैं ना, मतलब कि एक एक हफ्ता के लिए जनरेटर चला था, उसके बाद फिर बंद हो गया। लेकिन अभी तो देख रहे हैं पानी बहुत ज्यादा हुआ, बारिश का पानी बहुत ज्यादा, उससे कोई मतलब नहीं। विधायक जी को भी कोई मतलब नहीं, मुखिया जी को भी कोई मतलब नहीं। लेकिन इलेक्शन तो अभी नजदीक है, तो फिर उसको तो मतलब रखना चाहिए ना। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये ताजपुर में आप देख सकते हैं, ये कौन जगह? ताजपुर थाना चौक है। ताजपुर थाना चौक है। यहाँ पे तो अभी बगल में एक हॉस्पिटल भी है। जी है, जहाँ पेशेंट को लाने में बहुत दिक्कत होती होगी। दिक्कत होती है। Then I just be back with you.